अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। वह टॉपिक है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और ब्रांड एम्बेसडर। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इज़ ऑलवेज डन यू नो बाय अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। ऐसा बंदा जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो, फैंस हो, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया हो अपनी फील्ड में, लाइक शोबिज का बंदा हो, स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी ऐसा बंदा जिसने अपने एरिया में बड़ी खिदमात अंजाम दी हो और उसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो। आप समझते हो कि अगर ये बंदा मेरी कंपनी का मैसेज जब कन्वे करेगा तो जो टारगेट ऑडियंस हैं उनका बिहेवियर चेंज होगा, उनकी इंटेंशंस चेंज होंगी टूवर्ड्स द परचेजिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और टू अवेल द सर्विसेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बंदे को आप चूज़ करेंगे, ऐसे बंदे को ले आएंगे जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होगी। पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर काम कर रही हैं। सबसे टॉप की एक मैं कंपनी यहाँ पर मैंशन करूँगा जिसका नाम है क्यू मोबाइल या डी जी कॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इंपोर्ट किए मोबाइल फ़ोन्स फ्रॉम चाइना, फ्रॉम सम अदर कंट्रीज़, और इन्होंने क्यू मोबाइल के नाम से यहाँ पे सेल किए पाकिस्तान में। आपने देखा होगा शुरू में इनके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, एयरटेल मार्केटिंग के अंदर इन्होंने जो है अपनी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की और कैंपेन्स की, मीडियम यूज़ किया टेलीविज़न का और प्लस डिजिटल मीडिया पर भी ये लोग आए और इन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस को जो है अपना पिच किया, कम्युनिकेट किया अपना मैसेज। लेकिन इनकी जो एक वेपन था बेसिकली वो था सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। इन्होंने क्या किया कि सोशो इकोनॉमिक क्लास बी सी डी को इन्होंने पिच किया, क्योंकि इनका जो विजन था बेसिकली वो यही था, दे वांट टू कनेक्ट पीपल विद ईच अदर, यू नो दे प्रोवाइड अफोर्डेबल सेट्स। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे लोग जिन जो सोशो इकोनॉमिक क्लास बी सी डी से ताल्लुक़ रखते थे उनको इन्होंने पिच किया, उनको टारगेट किया, उनको अपना जो है सेगमेंट किया मार्केट को और उन्होंने कम्युनिकेट किया। तो आपने देखा होगा इन्होंने शुरू में लेकर आए थे इंडियन सेलिब्रिटीज़ को, जिसके अंदर कतरीना कैफ, शाहिद कपूर, अर्जुन कपूर। बेसिकली इन्होंने जब टारगेट किया बी सी डी को तो इन्होंने, आपने देखा होगा कि इन्होंने रूरल एरियाज़ को काफ़ी जो है टारगेट किया। इनको पता था कि अगर करीना कपूर या इस तरह का कोई अच्छा सा एक्टर फिल्म इंडस्ट्री का अगर कोई कम्युनिकेट करेगा मैसेज तो वो जो है बेसिकली एक जो बिहेवियर है उनका कंज्यूमर्स का वो चेंज कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तानी मोस्टली नो डाउट इंडियन फिल्म्स देखते हैं, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। तो जाहिर है वो अगर वो कन्वे करेंगे मैसेज क्यू मोबाइल का तो वो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होगा उनका, तो वो परचेज़ करेंगे क्यू मोबाइल। वो जो मोबाइल सेट्स थे उनके, बहुत सारी उनकी प्रोडक्ट्स थी क्यू मोबाइल की। तो इनकी जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट थी क्यू मोबाइल की, इनकी जो एक स्ट्रेटजी थी कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करनी है। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, FMCGs, MNCs, बहुत सारी जो कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर आते हैं और अपना मैसेज कन्वे करते हैं। अभी रिसेंटली बैंक अल्फला की एक कैंपेन चल रही है वे फॉरवर्ड, इसके अंदर वकार यूनुस जो है एज अ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है बैंक अल्फला का। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो कि HBL के अंदर आपने देखा होगा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जाती है बैंक्स के अंदर, और हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर वसीम अकरम की काफ़ी कैंपेन्स है जो कि एज अ सेलिब्रेट एंडोर्समेंट उसको वो अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो सेलिब्रेट एंडोर्समेंट है जब वो मैसेज कन्वे करेगी तो इससे जो टारगेट ऑडियंस है उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, वो माइल होंगे, वो कन्वेंस होंगे, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये इन्फ्लुएंस का किरदार अदा करते हैं, एज अ इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करते हैं, TV हो या डिजिटल हो। जब ये मैसेज अनाउंस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो टारगेट ऑडियंस है वो अपना इंटेंशंस हैं ज़रूर डाइवर्ट करेंगे, कन्वेंस होंगे और वो परचेजिंग जो है वो उनके जो है एक पोटेंशियल क्लाइंट्स साबित हो सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसको हम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कहते हैं। इसके अलावा जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं बेसिकली, दीज पीपल आर बेसिकली हायर्ड बाई द क्लाइंट, हायर्ड बाई द कंपनीज, और इनका काम क्या होता है कि बेसिकली जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस के, उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इनके भी फैंस होते हैं पूरी दुनिया में, उस कंट्री में जहाँ जहाँ उनका, जिस फील्ड में उनका नाम होता है, तो उसमें एक उनकी एक इंडोर्समेंट होती है एक तरह से, लोग उनकी जो है फॉलो करते हैं, उनको लाइक करते हैं, और बेसिकली वो स्पोक्स पर्सन होते हैं उस इदारे का। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि UN की एम्बेसडर्स होती हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं हॉलीवुड की। इसी तरह कोई भी इदारा है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो उनके यहाँ डिफरेंट एम्बेसडर्स होते हैं जिन्होंने, जिनके अपनी एक फॉलोइंग होती है, अपने फैंस होते हैं,
उनकी एक मार्केट में सेल होती है, उनका जो है एक एहतराम के साथ लोग उनका जो है उनको फॉलो करते हैं, तो उसको लेकर आते हैं। तो वो एज स्पोक्स पर्सन भी होते हैं उस इदारे का, और वो जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, इवन एडवर्टाइजिंग हो रही होती है या जो भी सोशल गैदरिंग हो रही होती है, तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और अपने ब्रांड को वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद इन टारगेट ऑडियंस और विद इन पब्लिक, जो भी जहाँ जहाँ वो जा रहे होते हैं। तो ये जो है फ़र्क है ब्रांड एम्बेसडर और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में। थैंक यू सो मच।